तो यहाँ पे हुआ था कल रात में बॉनफायर और यहाँ पे आग जली हुई थी। ये टायर्स कुछ ऐसे बनाए गए हैं और यहाँ खड़ी है हमारी कार, यहाँ था हमारा रात्रि विश्राम। सुबह काफ़ी अच्छी रही और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो एक बार फिर से भाइयों बहनों देवियों सज्जनों स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग पे। और आज का प्लान है कुछ ढोलगढ़ जाने का। आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो क्या मजा आने वाला, कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, सारी चीज़ें आप लोगों को आगे पता चलेगी। फिलहाल बच चुके हैं सुबह के 10 और यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं हम। तैयारी 8 बजे से चल रही है, निकलने का भी 8 बजे था लेकिन अभी 10 बज चुके हैं। ठीक है, फटाक से निकलते हैं। यस, तो ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं राकेश भैया के होम स्टे पे। ये कॉटेजेस बने हुए हैं, ऊपर भी है, मतलब काफ़ी सही है। और आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं, मतलब महुआ को मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, इसलिए दिखाते हैं आपको। ये है महुआ भाई। तो ये है रूम होम स्टे के। जैसे ही आप अंदर आते हैं यहाँ पे एक बेड, ये काफ़ी सुंदर, यहाँ पे एक प्योरीफायर है, बहुत बहुत खूबसूरत मिरर, हाय ये भी ठीक है, वाह सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, देख सकते हैं आप। ये होम स्टे बिल्कुल एक ट्राइबल फील देता है। और हमारा प्लान है इस जो वॉल है इसमें कुछ आर्ट्स बनाएंगे हम, बस्तर आर्ट यहाँ पे हमारे बनाने का प्लान है। भाई साहब ऐसा है कि ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ रायपुर से दो और भाई लोग आ चुके हैं। ऐसा है कि लगभग आधा आ चुके हैं हम और मतलब इस महीने पे मैं तीसरी या चौथी बार ढोलगढ़ पे वापस से ट्रैक कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, हर बार नए लोग होते हैं, हर बार मज़ा आता है। तो ऐसा है, आप लोगों को भी अगर ट्रैक करना है और या कैंपिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सही ट्रैक है, ठीक है, जंगल देख करके आप समझ सकते हैं इतना शानदार ट्रैक है ये। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि फैमिली यहाँ पे नहीं आ सकती, ये ट्रैक फैमिली के लिए भी बेस्ट है। आधे से ज़्यादा आ चुके हैं और ये पीछे जो था, ये जो स्पॉट है यहाँ पे एक दो रास्ते मिलते हैं, एक जाता है नीचे और एक जाता है इधर लेफ्ट पे, मतलब लेफ्ट और राइट दो रास्ते हैं, आपको हमेशा यहाँ से लेफ्ट लेना है। अगर आप राइट लेते हैं तो आप सीधे नीचे गांव निकल जाएंगे। और एक और बहुत ज़बरदस्त वाली प्लानिंग चल रही है हमारा, लाइक वो चीज़ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी, बट जो एकदम ट्रैकिंग और एकदम वाइल्ड लाइफ के ज़्यादा चाहने वाले हैं उन लोगों के लिए हमने ट्रैक फाइनल कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार ट्रैक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा क्योंकि पूरे दिन का ट्रैक होगा और आप स्टार्ट करेंगे कहीं से और निकलेंगे कहीं और। ऑब्वियस है निकलते कहीं और ही हैं लेकिन वो ट्रैक जब ख़त्म होगा तो कहीं और ख़त्म होगा और वहाँ से फिर आपको गाड़ी लेकर के वापस से दंतेवाड़ा आना होगा। ठीक है, तो सारा कुछ अरेंजमेंट हम करेंगे। फिलहाल सीन्स इंजॉय कीजिए जंगलों के बीच में इस वक्त हम चलते हुए। ऐसा है कि इस जंगल पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है मेन चढ़ाई जो है यहाँ इस जगह से स्टार्ट होती है। और चलिए ऊपर की ओर चलते हैं, हमारे भाई लोग सारे जो हैं आगे बढ़ चुके हैं, तो वो गणेश मंदिर पहुंच चुके हैं सूर्य मंदिर से। काम करते हैं, कुछ शॉट्स लेते हैं गणेश मंदिर के, उसके बाद फिर हम सूर्य मंदिर चलते हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और आज ढोलगढ़ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा भीड़ है।
ओके, तो ऐसा है कि धूप कुछ ज्यादा है और अभी हम पहाड़ों के बीच चट्टानों के पीछे झुके हुए हैं और पीछे का सीन देखिए आप लोग, नज़ारे देखिए यार। वहां से मैं आ चुका हूँ जैसा कि आप लोगों ने देखा, और यहाँ से अभी फिलहाल हमें जाना है ऊपर इस पत्थर के ऊपर, और ऊपर जाने के बाद हम जाएंगे सीधा नीचे लाइक सूर्य मंदिर में। आप लोगों को नहीं दिखा सकता, और आज पता नहीं इस जगह पे ज्यादा ही क्राउड है शायद। अभी संडे है क्या बॉस? भैया उठाओ यार बॉटल, लाओ 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 बैग में रख लेते हैं। चलो है, शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं एक बार बताते चलिए, अब तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट करते चलिए, ठीक है? बाकी सब बढ़िया। तो जंगल से बाहर आ चुके हैं हम, आ गए फाइनली जंगल से बाहर। यहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी और अभी हम जाएंगे हमारे कर्मा जी के होम स्टे, जहाँ पे हमारा लंच की व्यवस्था की गई है। वापस जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर वापस जाएंगे हम अपने होम स्टे कुमार रस। ओके, सो वापस से हम दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका है इसलिए हम आपको दिखाई नहीं देंगे, पर जितने दिखाई दे रहे हैं उससे काम चला लीजिएगा। और ये है सामने अभी फाटक, रेलवे फाटक के पास में खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि वहां पे गए हैं उत्कर्ष भाई और करिश्मा सब्जी लेने के लिए, और अभी हम कार पे अकेले बैठे हुए हैं। और दिक्कत क्या हो रहा है पता है? ये कार का जो चाबी है ना, जो अभी दिखेगा नहीं आपको, दिन में दिखाऊंगा मैं उसके साथ क्या इशू हो रहा है, वो आपको दिन में ही सारा कुछ बताऊंगा। और फिलहाल अभी हम जाएंगे यहाँ से होम स्टे में जाके खाना वाना बनाना है, खाना खाना है, उसके बाद फिर वीडियो एडिट करना है जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये इसको अभी एडिट कर रहा हूँ मैं। तो बस उसके बाद फिर सो जाना है। और आज का वीडियो मेरे ख्याल से यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा थे, क्योंकि लाइक कर दिया, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और वीडियो कैसा लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बटो रही है, खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय दंतेश्वरी मैया, जय ढोलकर गणेश।